विंडो 10 ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 2015 में लॉन्च हुआ था और आज इसे लॉन्च हुए तकरीबन 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में इसने विंडोज़ की जो मार्केट है उसमें 78% मार्केट शेयर कर रखा है। लेकिन पिछले कुछ समय से माइक्रोसॉफ्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ टीजर्स शो कर रहा था और वो जो टीजर्स थे वो विंडो 11 की तरफ इशारा कर रहे थे और 24 जून को माइक्रोसॉफ्ट इसे रिवील भी करने वाला था। लेकिन पता नहीं कैसे विंडो 11 की जो फाइल थी वो लॉन्च से पहले ही लीक हो गई। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या विंडो 11 आपके लिए एक सूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नहीं, और उसमें कौन कौन से नए फीचर्स हैं जो आपको विंडो 10 में नहीं देखने को मिलते थे, और विंडो 11 गेमिंग के रिगार्डिंग अच्छी है या फिर नहीं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है इंटरफेस। अगर आप विंडो 10 का इंटरफेस देखते हो तो वो कुछ ऐसा दिखता है और जो विंडो 11 का इंटरफेस है वो कुछ ऐसा दिखता है। टास्क बार में जितने भी आइकन्स थे वो अभी मिडल में आ गए हैं। स्टार्ट मेन्यू में जितने भी आइकन्स थे वो भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगते हैं। अगर आप इसे विंडो 10 से कंपेयर करते हो तो उसके स्टार्ट मेन्यू में बहुत सारे लाइव टाइल्स थे जो कि बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करते थे, लेकिन विंडो 11 में आपको कोई भी लाइव टाइल्स नहीं देखने को मिलते, जिससे जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन रखा गया है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एप्पल के iOS की तरह। और गाइस जो विंडो 10 थी उसमें डार्क मोड अवेलेबल था, लेकिन वो प्रॉपरली कंपैटिबल नहीं था सभी एप्लीकेशंस के साथ में। वो कुछ एप्लीकेशंस में तो प्रॉपरली वर्क करता था लेकिन कुछ में वर्क नहीं करता था। तो विंडो 11 में माइक्रोसॉफ्ट ने डार्क मोड को प्रॉपरली कस्टमाइज़ कर दिया है सभी एप्लीकेशंस के लिए, यानी जब आप डार्क मोड पर स्विच करोगे तो जो आपका यूज़र इंटरफेस होगा तो वो टोटली चेंज हो जाएगा। जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो डार्क थीम के साथ ओपन होगी जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगेगा। और इसमें मल्टी डेस्कटॉप का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। आप डुअल या फिर ट्रिपल मॉनिटर सेटअप कर सकते हो और हर एक डेस्कटॉप के साथ आप अलग अलग काम कर सकते हो। और अगर हम गेमिंग की बात करें तो जो पहली वाली विंडो 10 थी वो ज़्यादा रैम और स्पेस कंज्यूम करती थी, लेकिन जो विंडो 11 है वो कंपैरेटिवली कम रैम और स्पेस कंज्यूम करती है, जिससे जो आपका सिस्टम है उस पर भी लोड कम पड़ेगा। और जब फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट इसका स्टेबल वर्जन अपडेट कर देगा तो उसमें डेफिनेटली गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और इन सभी फीचर्स के साथ इसमें और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जब आप विजिट के आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको वेदर और लेटेस्ट न्यूज़ के अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो गाइस डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर काम किया होगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में 5G लॉन्च हो चुका है और कुछ कंट्रीज़ में अभी काम चला हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने डेफिनेटली कनेक्टिविटी को फ्यूचर प्रूफ किया होगा। अगर फ्यूचर में 5G या फिर Wi-Fi 7 जैसी टेक्नोलॉजी आती है तो ये उसे भी सपोर्ट करे। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। लाइक कर दो इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।